प्रताप भानु राजा बड़े बलवान, बड़े योद्धा थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत धार्मिक। एक बार अपनी सेना के साथ में वो शिकार खेलने के लिए गए, पता नहीं ये लोगों की एक ही स्क्रिप्ट है, पता नहीं क्या है। मैंने जितने भी राजा शिकार खेलने के लिए गए, मोस्टली राजाओं की सेना पीछे रह जाती है, ये अकेले ही भटकते हैं। सेम स्क्रिप्ट है, एकदम सेम स्टोरी है सभी की। जब जब कहीं कोई नई कहानी बनती है, कांड होता है, तो ये राजाओं की सेना कहीं रह जाती है और ये अकेले जंगल में फिर भटकते हैं, और वहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है या कुछ अच्छा काम होता है, जो भी व्हाटएवर। तो इन राज प्रताप भानु की सेना भी कहीं पीछे रह गई, अकेले भटक रहे थे, अंधेरा होने को था। एक राजा था जिनको प्रताप भानु ने परास्त कर दिया था। ध्यान से सुनना, हर जगह हर एक व्यक्ति अननोन पर्सन पर इतनी जल्दी बिलीव नहीं करना चाहिए, स्पेशली माता बहनों को, वैसे तो किसी को भी नहीं। देखो कितनी गजब की बात है ना, जो हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, हमें उन माँ बाप पे भरोसा नहीं होता, लेकिन चार दिन का कोई दोस्त बन जाए हमें उन पे भरोसा हो जाता है। कितना गजब है ना। और फिर बाद में पता चलता है कि आज जो समाज में बेइज्जती हो रही है उसी की बदौलत हो रही है। किसकी बदौलत? जो चार दिन का मिला था। हाँ या ना, जवाब दो। क्या मम्मी पापा, माता जी, पिताजी कभी आपका बुरा चाहेंगे? लेकिन उन पे भरोसा नहीं रहता हमारा। क्यों नहीं रहता? क्योंकि लगता ही नहीं, अरे ये जानते नहीं, अभी हम जवान हो रहे हैं, इन्हें क्या पता। हर व्यक्ति पर एक सेकंड में भरोसा नहीं करना चाहिए, अननोन पर्सन पे तो बिल्कुल भी नहीं। इस कथा से सीखने को मिलता है, ब्लाइंडली फेथ करना हो तो मम्मी पापा और गुरु, चौथा कोई नहीं। अगर ब्लाइंडली फेथ करना है तो मम्मी पापा और गुरु। अब आजकल तो लोग कथा में जाते हैं, चार आदमी मिल जाते हैं, वहीं से नंबर नंबर ले लाके, और सोई सिया और रामचंद्र की जय। क्या हो गया? अब वो महाराज कथा में मिला था, हमने तो भरोसा कर लिया, काय को किया। जब महाराज कह रहे हैं कि हमारे अलावा हमारी छाया भी मिले तो भी भरोसा मत करना। हमारी छाया कोई रूप बना के आए कि मैं देवकी नंदन हूं तो भी कहना कि हम नहीं मानते, हम तो उन्हीं को मानेंगे, पहले उनसे पूछ ले तो भरोसा करो। कोई भी आदमी आके और कहे मैं महाराज जी कबो हूं या मैं महाराज जी हूं, और तुम भरोसा कर लो, बाद में कहो महाराज आपका नाम, अरे तेरा बलाओ, हमने लिया क्या अपना नाम तुमसे आज तक? तीन ही लोग ऐसे हैं जिन पे आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते, गुरु माता पिता, माता पिता गुरु। चौथे पे भरोसा करते हो वो तुम्हारा रिस्क है। मैं तो फिर कह रहा हूं आज इस कथा के माध्यम से, मेरी छांव भी आकर कहे तो मेरी छांव पर भी भरोसा मत करना। संसार ऐसा है, विश्व ऐसा है, इस समय किस पे भरोसा करोगे? और ये कहानी भी सिखाती है ऐसी, राजा प्रताप भानु के शिकार खेलने के लिए गए तो एक राजा मिला। राजा कौन सा? जिसको प्रताप भानु ने ऑलरेडी हरा रखा था, वो राज्य से जान बचा के भागा था। तो बाबा जी बन के थोड़ा रंग रंग बदल के, भेष बदल के, संत नहीं था, भेष बदल के रहता था, क्यों? कि मैं कहीं किसी की पकड़ में ना आ जाऊं, इसलिए रहता था। अब संत के भेष में छुपा रहता था। पहले तो प्रताप भानु को देखा तो वो भयभीत हो गया, कहीं मुझे पहचान न ले। और यहां प्रताप भानु ने देखा ये तो संत है, तो उन्होंने प्रणाम किया। स्वाभाविक, हमारे यहाँ स्वभाव है कि भाई सनातन धर्म की मान्यता है, जब भी कोई साधु वेश में हो तो आप उन्हें प्रणाम करें। राजा ने प्रणाम किया, सही किया। पूछा, भाई तुम कौन हो? किसने? वो राजा ने छुपके जो बैठा है, कौन हो? अब यहां झूठ बोल दिया इन्होंने। इन्होंने कहा जो प्रताप भानु राजा हैं, बड़े धर्म सम्राट, वो धर्म को मानने वाले, बड़े प्रजा के पोषक हैं, मैं उनका विशेष मंत्री हूं। वो तो राजा को पहचान गया था, उसकी ज्योतिषी बन गया वो, तो इसके झूठ से वो ज्योतिषी बन गया, भविष्यवक्ता हो गया, भविष्य दृष्टा हो गया, पास्ट को जानने वाला हो गया। कैसे? उन्होंने कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है
चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग या तिमोरे। तुम्हारे चक्रवर्ती किसे लक्षण है, तुम मंत्री से नहीं हो। अब साहब अचानक से कोई ऐसी भविष्यवाणी जिसने तुमने कुछ बताया ना हो, और तुम्हारे घर में फलाने डिब्बे में चाय रखी है, फलाने डिब्बे में चीनी रखी है, कोई बता दे तो विश्वास होगा कि नहीं, चमत्कारी बाबा है ये तो, होगा कि नहीं। अब गलती किसकी थी, प्रताप भानु की, झूठ बोला और उसने पहचान लिया था, उसने पहचान लिया था। उसने जब पहचान लिया तो चर्चा होने लगी, और जब राजा को लगा कि ये इतना अच्छा बता रहे हैं तो वो विश्वास भी होगा, उसने सारी बात बता भी दी कि मैं हाँ प्रताप भानु ही हूँ, तो वो बोले नहीं नहीं अच्छा किया, राजा को अपने आप को हर जगह प्रकट नहीं करना चाहिए, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी रेखाएं और हमारा ज्ञान ये दिखाता है कि हम पहचान सकते तुमको। ठीक, बात होते 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 राजा भी राजगद्दी में संतुष्ट नहीं है, वो राजा चाहते हैं कि जो गद्दी हमें मिली है वो कभी छिने ही ना, जो मिल गया है उससे ज्यादा हमें मिले। तो राजा ने ये कहा, बोले महाराज और सब कुछ संपन्न रहे, ठीक रहे, ऐसी कोई कृपा कर दो जैसे सब बना रहे। तुम भी चाहते होगे कि जहाँ हैं उसे आगे हैं, उसे आगे जाएं, चाहते होगे नहीं, जवाब दो। आज जहाँ हो वहीं से सेटिस्फेक्शन है, उतना ही है कि और चाहिए, जवाब तो दे दो, नहीं चाहिए तो मना कर दो, उसमें क्या है। बोले हम तो ठीक है महाराज, आई एम ओके। नहीं है ना, यही आग सबके भीतर लग रही, इसी का नाम तो लोभ है। राधे राधे, बोलना पड़ेगा।